मैं विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चर्चा किया था। कहां तक चर्चा किया था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चर्चा किया था। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, यानी किस पर चर्चा करने वाले हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि देयर आर द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, और दूसरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ये बात लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है, यानी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। दो से अधिक क्या लिखा हमने? दो या दो से अधिक आवेश मिलकर बने निकाय, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनंत से परस्पर निकट लाकर अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या होती है? दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जैसे कि हमारे पास दो आवेश हो या दो से अधिक आवेश हो, कितने आवेश हो? दो या दो से अधिक आवेश हो, तो उन्हें परस्पर एक दूसरे के बराबर लाया जाए, एक दूसरे के बराबर लाकर एक निकाय की रचना की जाए। क्या किया जाए? एक निकाय की रचना किया जाए। तो इस निकाय की रचना करने में, यानी इस वैद्युत क्षेत्र को स्थापित करने में जो कुल कार्य किया जाएगा वही क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा ए पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। मान लो यहां पर हमारा क्या है? क्यू वन आवेश है, यहां पर क्या आवेश है? क्यू टू आवेश है। यहां पर क्या आवेश है? क्यू वन आवेश है, और यहां पर क्या आवेश है? क्यू टू आवेश है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हमारे पास दो निकाय है ना, एक क्यू वन क्यू टू। अब इनको हमको क्या करना है? परस्पर करीब लाना है। यहां लिखेंगे माना दो आवेश, क्यू वन तथा क्यू टू एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। इन्हें परस्पर निकट लाने में कुल किया गया
कार क्या है? डब्लू है। ये कहां पर है? ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू वन आवेश, ये हमारा क्यू टू आवेश। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो आप जब आर दूरी पर है तो इनके एक दूसरे के करीब लाएंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो करीब लाने पर कुल कितना कार्य होगा? डब्लू। अच्छा, एक चीज और आप जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब इसको, इसमें जो फार्मूला है वो आप विभव से भी निकाल सकते हैं और बल से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू क्या होगा? विस्थापन यहां पर कितना है? R है। अब यहां पर आप कुलम्बियन फोर्स अप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? कुलम्बियन फोर्स अप्लाई कर दीजिए। जब यहां पर कुलम्बियन फोर्स अप्लाई करेंगे आप, तो F का मान कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 R2। यहां क्या करेंगे? R है, एक R से एक R कट गया, ठीक। फिर W बराबर क्या मिला? 1/4πε0 Q1 Q2 R। अब आपको पता है कि जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। और रही बात स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U से। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R, U बराबर वही क्या हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 R हो गया। ये हमने कहां से निकाला? बल से निकाला। कहां से निकाला? बल से निकाला। अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं? विभव से निकालना चाहते हैं। किससे निकालना चाहते हैं? विभव से निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारा Q1 आवेश है, इसको हम कहां पर ले जाना चाहते हैं? Q2 पर ले जाना चाहते हैं। कहां पर ले जाना चाहते हैं? Q2 पर ले जाना चाहते हैं। अब इसको Q2 पर ले जाने के लिए आप, जब Q2 पर आप ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ विभव आना है। हमको पता है V बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/R होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आवेश है? Q1 आवेश है। क्या हो जाएगा? Q1 आवेश हो जाएगा। अब निकट लाने में कुल किया गया कार्य कितना है? W है। आपको पता है V बराबर क्या फार्मूला होता है? W/Q। अगर यहां से हम W बराबर लेंगे तो V इंटू क्या हो जाएगा? क्यों? क्यों क्या है? आवेश है। अब यहां पर देखिए, जिसके निकट ले जा रहे हैं वो आवेश कितना है? वो आवेश यहां पर कितना है? Q2 है। कितना आवेश है? Q2 आवेश है। जब Q2 आवेश है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? W बराबर V इंटू Q2। अब समझिए, W बराबर क्या मिला? V इंटू Q2। V की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1/4πε0 Q1/R इंटू क्या हो गया? Q2 हो गया। कार्य किस रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो टॉपिक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छी तरीके समझ आ गई होगी। अब एक थोड़ी सी चर्चा हम इस पर और कर लेते हैं। बस ऊर्जा क्या है? यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? जूल होता है। चूंकि देखिए कार्य ऊर्जा, वो चाहे जौन ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो,
कार्य ऊर्जा उष्मा सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। इसका मात्रक जूल है, इसकी बीमा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है, इसकी बीमा क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने केवल एक ही टॉपिक पढ़ा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उम्मीद है कि जितनी भी लॉजिक इसमें आपको बताई गई है, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो परिभाषा हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे बीमा हो, सारी चीज़ें आपको भली भांति समझ में आई होंगी। अगर इसमें से आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858 1958 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।